वेलकम टू 99 वर्ल्ड। स्क्रीन पर दिख रहे सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ 99 रुपीस में। हेड ऑफिस नियामत कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार हैदराबाद। फ्रेंचाइज के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मासूम बच्ची के अगवा के अंदरून 24 घंटे मामले को हल करते हुए किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। मलकपेट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से किडनैपर को गिरफ्तार करते हुए 2.5 साल बच्ची को उसके अरकान खानदान के हवाले किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। किडनैपर की शनाख्त कालावाला श्रवण कुमार के तौर पर की गई है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर और पेंटर बताया गया है। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस मलकपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में एक किडनैपिंग हुआ था 27 जनवरी को रात में, और विद इन 24 आवर्स ईस्ट जोन पुलिस हमारे जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी के लीडरशिप में ये केस को डिटेक्ट किए और बेबी को बिल्कुल सलामत हालत में रिकवर भी किए। अक्यूज भी अरेस्ट हुए। जैसा कि आप जानते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने एस अजय जो 27 इयर्स के हैं और रैग पिकर्स का काम करते हैं मुसाराम बाग फुटपाथ पे, रात में ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग सो रहे थे। और सुबह लगभग 1:30 मिडनाइट में जब इन्होंने नोटिस किया कि इनके छोटी बच्ची जो लगभग 2 साल 6 महीने की है मिसिंग है, तो आकर ये लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किए। और उसके बाद हमारे जॉइंट सीपी और उनके पूरे टीम मेंबर्स सीसीटीवी के हेल्प से, लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से और लोगों से बात करने से पता चला डिस्क्रिप्शन ऑफेंडर के बारे में। और बहुत जल्दी विद इन 24 आवर्स ये केस श्रवण कुमार, जो इस केस का अक्यूज्ड है, ऑटो ड्राइवर का काम करता है और रहने वाला गोलनाका अंबरपेट हैदराबाद का है। ओरिजिनली ये पालेम विलेज बिजनेपल्ली मंडल महबूब नगर का है। इसको इन्होंने अरेस्ट किया और इसके पास से ये किडनैप्ड बेबी को बरामद भी किए। ये श्रवण कुमार जो अक्यूज्ड है, ये अल्कोहल का एडिक्ट है और इसके पहले प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी बहुत पार्टिसिपेट किया, बाइक थेफ्ट और इस तरह के दूसरे काम में। इसमें हैदराबाद कमिश्नरेट में मलकपेट और काचीगुड़ा में 4 केसेस हैं, राजकोंडा कमिश्नरेट में सरूर नगर में 3 और एलबी नगर में 2 केसेस हैं। और ये लेकिन पहली बार इस तरह का किडनैपिंग का केस किया। इसका मोटिव ये था कि जो कुछ चाइल्डलेस कपल हैं उनको जाकर ये बच्चे को बेचेगा और जिससे उसको कुछ पैसा मिलेगा। तो इस सिलसिले में जो हमारे पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन किए, उसमें जो एक बाइक ये चोरी किया था, इस बाइक का भी रिकवरी हुआ है। और हमारे जॉइंट सीपी रमेश रेड्डी के लीडरशिप में हमारे एडिशनल डीसीपी के मुरलीधर और उनके साथ एन वेंकट रमना एसीपी मलकपेट और पूरे ऑफिसर मिलकर ये केस डिटेक्ट हुए एक रिकॉर्ड टाइम में। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद पुलिस इंसानी जिंदगियों को, खास तौर पर लापता नाबालिग लड़कियों के हवाले से इंतहाई चौकस और उनकी तलाश को तरजीह देती है। ऑपरेशन स्माइल के जरिए साल 2018 से अब तक 2400 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है, खासकर दर्पण टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ऐसे मौके पे मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हैदराबाद सिटी पुलिस का कमिटमेंट जो खास करके क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, वो हमारा टॉप प्रायोरिटी है उसको डिटेक्ट करना। और अभी तक ऑपरेशन स्माइल के तहत 2021 ईयर में 333 बॉयज एंड 43 गर्ल्स का रेस्क्यू हुआ है, टोटल 376। और टोटल 2018 से अभी तक 2400 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। इसमें अभी तक हम लोगों ने इस साल 61 केसेस बुक किए हैं, 277 बच्चों को उनके पेरेंट्स को दिया गया, 99 बच्चों को रेस्क्यू होम में दिया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 64% की गिरफ्तारी भी हुई है। टेक्नोलॉजी हमेशा हैदराबाद सिटी पुलिस का एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट रहा है
और इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, खास करके दर्पण टेक्नोलॉजी, उसका बहुत बहुत यूज है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि जरायम की रोकथाम में सीसीटीवी कैमरे बहुत ही मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस के नैनो सैतम प्रोग्राम के तहत कॉरपोरेट्स, रेजिडेंशियल सोसाइटीज और दीगर तंजीमों को आगे आकर शहर के वीरान और जहां कैमरों की ज़रूरत है वहां सीसी कैमरे लगवाने की अपील की। उन्होंने मजीद बताया कि हैदराबाद शहर में एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल की लीडरशिप में रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे मौके पे हम लोग एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, बिजनेसमैन ग्रुप, कि हैदराबाद में ऐसे जगह जहां पे लाइट कम है या कुछ डेजर्टेड एरिया है जिसको हम लोग हॉटस्पॉट भी समझते हैं बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम, तो उस सब एरिया में लोकल ACP, लोकल SHO, लोकल DCP के साथ मिलकर एक नैनो सैतम का नया प्रोग्राम शुरू करें जिसमें कि मैक्सिमम एरिया हैदराबाद का जो है हर एरिया में CCTV कवरेज का फैसिलिटी रहे। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैदराबाद सिटी में हम लोग पिछले एक महीने से कर रहे हैं, इसमें हमारे एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल के लीडरशिप में हर डिवीजन में एक एक टीम है जो ACP के अंदर में एक सब इंस्पेक्टर जिसको लीड करते हैं और जिसका काम है इस तरीके का रेस्क्यू, बच्चों को रेस्क्यू करना और जहाँ तक संभव हो उनके पेरेंट्स को देना, या अगर पेरेंट्स बच्चों को रखने की स्थिति में नहीं है देन रेस्क्यू होम में भी बच्चों को हम लोग देते हैं। थैंक यू सो मच।